So what is superconductivity? When certain materials cooled below a particular temperature, when certain materials cooled below a particular temperature, their electrical resistance ठीक है drops to zero, their electrical resistance or you can say resistivity drops to zero. Okay, these materials are known as superconductors. And phenomenon is known as superconductivity. Okay. Phenomenon is known as superconductivity. Okay. यहां पर आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ है इसमें क्या कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है, ठीक है, और ये टेम्परेचर एक्सिस है. तो ये रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हो सकता है. व्हेन वी आर कूलिंग द टेम्परेचर रेसिस्टिविटी इज ड्रॉपिंग, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर which is known as TC, at a certain temperature which is known as TC, उसका electrical resistance क्या होता है, suddenly zero हो जाता है, या resistivity कितनी हो जाती है इस zone में, zero. Okay, तो इस temperature को क्या कहते हैं, at which resistivity suddenly drops to zero, ठीक है, that the temperature at which resistivity or resistance suddenly drops to zero is known as critical temperature. Curie temperature नहीं, critical temperature. Temperature of superconductor. Critical temperature of superconductor. तो इसको हम क्या कहेंगे, critical temperature. Last time जो TC use हो रहा था वो किसके लिए use हो रहा था, it was used for Curie temperature. TC ही था वो भी, but वो Curie था, और ये क्या है, critical है. ओके, क्योंकि दोनों ही सी से स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए टीसी लग रहा है आपको. ओके, अगर ये सुपर कंडक्टर नहीं होता तो आपने देखा होगा मेटल्स में क्या होता है, इवन एट जीरो केल्विन नॉर्मल मेटल्स का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता है. ओके, इवन एट जीरो केल्विन यहां. ओके, बट ये टी जीरो होने से पहले ही जीरो हो गया, इसलिए ये क्या है, सुपर कंडक्टर है. ओके, ठीक है, तो इट वॉज वेरी फर्स्ट observed in, it was very first discovered in
मरकरी, मरकरी में डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है, ये हो गया। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी ये हो गई। दूसरा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन एडिशन टू जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आर जीरो हो या रेसिस्टिविटी जीरो हो, इन एडिशन टू जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, द सुपरकंडक्टर एक मिनट स्टूडेंट्स, कोई अभी कर लूंगा, इन एडिशन टू जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस द सुपर कंडक्टर ऑल्सो फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ऑल्सो फॉलोज प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्या है, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म क्या है, व्हेन सुपर कंडक्टर इज कूल्ड बिलो, कूल्ड या ऐसे लिखते हैं, व्हेन व्हेन अ कूल्ड सुपर कंडक्टर, कूल्ड सुपर कंडक्टर किसके किसके नीचे कूल्ड, बिलो टीसी, व्हेन अ कूल्ड सुपर कंडक्टर बिलो टीसी, ठीक है, इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट एक्सपेल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम इट्स इंटीरियर, it expels magnetic field lines from its interior, okay, this effect is known as Meissner effect, this effect is known as Meissner effect. Suppose you have applied some external magnetic field H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपने H अप्लाई किया हुआ है, H एक्सटर्नल, ओके, ये टेम्परेचर TC से ज्यादा है और ये वाला कूल्ड है, TC से कम है, तो क्या होगा, अगर आप H एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं TC के ऊपर, तो वो अपनी कौन सी स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में या सुपर कंडक्टिव स्टेट में, कोई भी सुपर कंडक्टर है, ये मेसनर इफेक्ट है, अगर कोई भी सुपर कंडक्टर आप लेंगे, ठीक है, तो अबव टीसी वो कैसी स्टेट में होगा, इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इज अबव टीसी, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में है, सुपर कंडक्टर अपनी नॉर्मल स्टेट में है, सॉलिड का नाम सुपर कंडक्टर ही होगा, बट वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा, बट अगर टेम्परेचर सॉलिड का TC से नीचे होगा तो सुपर कंडक्टर अपनी कौन सी स्टेट में होगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा, ओके,
अगर टी ग्रेटर देन टी सी होगा तो अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा, और टी लेस देन टी सी होगा तो अपनी सुपर कंडक्टिव स्टेट में वो होगा। तो यहाँ पर वो अपनी नॉर्मल स्टेट में है यहाँ पर, और यहाँ पर वो अपनी सुपर कंडक्टिव स्टेट में है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इन वो नॉन जीरो है, जबकि यहां पर बी इन का वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके, यानी कि आप बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बट उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पूरी तरह बाहर निकाल दिया है, एक्सपेल कर दिया है। ओके, इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज मेसनर इफेक्ट। एंड सॉलिड कैसे एक्ट कर रहा है, दिस सुपर कंडक्टर इज एक्टिंग लाइक अ परफेक्ट डायमैग्नेटिक सॉलिड। ओके, तो ये है। तो यहां पर क्या होगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो आप जानते हैं, वी नो क्या बी किसके बराबर होता है, म्यू जीरो एच प्लस एम। ओके, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, कूल्ड स्टेट में जब वो है जीरो, इट मींस इसका जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा सुपर कंडक्टर का, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होगा। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप होगा वो किधर डेवलप होगा, अपोजिट। ये डेवलप क्या हो रहा है यहां पर, एम, एम इज अपोजिट। ओके, बी जीरो है, ये ध्यान रखेंगे, एम किसके बराबर है, माइनस एच के बराबर है। ओके, और आप ये भी जानते होंगे इसकी परमिएबिलिटी कितनी होगी, म्यू, म्यू कितना होगा इसका, म्यू का वैल्यू जीरो होगा, म्यू आर का वैल्यू कितना होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो होगा, और काई ससेप्टेबिलिटी कितना होगा, एम बाय एच से इट वुड बी नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी याद रखेंगे आप, दीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जीरो, मैग्नेटाइजेशन माइनस एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, बट उल्टा रिवर्स, परमिएबिलिटी जीरो, रिलेटिव परमिएबिलिटी जीरो, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई माइनस वन। ओके, एंड आप ये भी जानते होंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है या डिपेंड्स ऑन टी होता है, नेगेटिव होता है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टी होता है डायमैग्नेटिक, इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये वाली ससेप्टेबिलिटी। ओके, तो ये परफेक्ट है या नहीं डायमैग्नेटिक में, वैसे क्या दिखाया था, नॉर्मल डायमैग्नेटिक में जो परफेक्ट नहीं होते उनमें यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जीरो नहीं हो सकता, बट परफेक्ट डायमैग्नेटिक सॉलिड वो सॉलिड होगा जिसके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा अंदर उसके। ओके, तो अगर हम कहें, ठीक है, सुपर कंडक्टर क्या है, तो आप ऐसे कह सकते हैं सुपर कंडक्टर सुपरकंडक्टर इज अ परफेक्ट कंडक्टर, ठीक है, इज अ परफेक्ट कंडक्टर विद द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। तो सुपर कंडक्टर क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली आपको बताऊं सुपर कंडक्टर क्या है, तो सुपर कंडक्टर इज अ मटेरियल, सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल विथ नंबर वन, ठीक है, रो इज जीरो और आर इज जीरो, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो, रेजिस्टिविटी कितना होता है जीरो, एंड ऑल्सो क्या परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। ये तो आप कह सकते हैं सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जिसके अंदर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होता है, दैट यू कैन से अबाउट द सुपर कंडक्टर।
तो इन प्रॉपर्टीज को जो मटेरियल फॉलो करे उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, मेसनर इफेक्ट भी और ये भी, ठीक है। ये हो गया सुपर कंडक्टिविटी, द डेफिनेशन ऑफ दिस। अब है यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, उनका टाइप्स। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, टाइप वन, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। देर आर टू टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स, टाइप वन फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। ओके, अब देखिए यहां पर हम यहां पर कह रहे हैं वी आर अप्लाइंग सम मैग्नेटिक फील्ड, ओके, बट इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? जीरो, क्योंकि ये जो मैग्नेटाइजेशन यहां पर डेवलप हो रहा है वो एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, और उसका स्ट्रेंथ कितना आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है? इक्वल आ रहा है, एंड स्ट्रेंथ में इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों कैंसिल करके कितने हो जाते हैं? जीरो। ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाओगे तो ये अपने अंदर से उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल ही करता जाएगा। देयर इज अ सर्टेन लिमिट कि जिस तक आप मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं। अगर आपने एक स्ट्रेंथ से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया सुपर कंडक्टर में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगी। ओके, भले ही मैं इसको कूल्ड रखूं, ओके, तो मैं इसी पिक्चर को आगे दिखा रहा हूं पर डिफरेंट कंटेक्स्ट में। ओके, क्योंकि मैं यहां पर किसका डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्लासिफिकेशन करने से पहले आई वुड टेल यू अबाउट क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्लासिफिकेशन जो करूंगा वो किसके बिहाफ पर करूंगा? ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो इसके बिहाफ पर होगा। देखो, अब मैं यहां पर एक डेफिनेशन ले रहा हूं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, उसको लिखते हैं एच सी से। कोएर्सिविटी नहीं है, सिंबल सेम लग रहा है देखने में, बट ये कोएर्सिविटी नहीं है एच सी, ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड required to destroy superconductivity, required to destroy superconductivity। ये क्या है? ये minimum amount of magnetic field है जो किसके लिए required है? सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए। ओके, देखिए ये, अब मैं इसको कूल्ड ले रहा हूं, इसको भी मैं कूल्ड ले रहा हूं, इसको भी मैं कूल्ड ले रहा हूं, यानी कि दोनों ही सुपर कंडक्टर अपनी कौन सी स्टेट में है? सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में है, दे आर इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट। बट यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है जो आपने अप्लाई किया यहां पर, वो एच सी से ज्यादा है। यहाँ पर जो H का स्ट्रेंथ है वो एच सी से ज्यादा है, और यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो एच सी से कम है। वी फॉलो द ग्राफ। टेम्परेचर पहले क्या था? टेम्परेचर क्या था? टी सी से ऊपर था तो वो नॉर्मल स्टेट में था, ओके, और ये टी सी से नीचे था, अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में था, ओके। बट यहां पर मैंने, अच्छा, यहां जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो किससे कम होंगे? एच सी से कम होंगे, एच सी से ज्यादा होंगे? अब जब आप क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो इट मींस इट वुड बी लेस देन एच सी, इट वुड ऑल्सो बी लेस देन एच सी,
ओके यहां पर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड एच सी से ज्यादा है. जब मैग्नेटिक फील्ड एच सी से ज्यादा होगा तो हम क्या कह रहे हैं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी, रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द सुपर कंडक्टिविटी. तो यहां पर टेम्परेचर भले ही कम हो बट यहां पर कौन डिस्ट्रॉय कर देगा सुपर कंडक्टिविटी को, एच सी. ठीक है, तो जब भी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, सुपर कंडक्टिंग सुपर कंडक्टर अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा. ओके ये कौन सी स्टेट को शो कर रहा है, इट इज शोइंग नॉर्मल स्टेट, इट इज शोइंग व्हाट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट. तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को होने के लिए क्या जरूरी है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट को होने के लिए जरूरी है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिटिकल से कम हो और टेम्परेचर भी क्रिटिकल से कम हो, तभी आप क्या कह सकते हैं कि वो सुपर कंडक्टिंग है. तो इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट या फॉर द सुपर कंडक्टिंग स्टेट, फॉर द सुपर कंडक्टिंग स्टेट to exist, for the superconducting state, H क्या होना चाहिए, HC से कम, temperature क्या होना चाहिए, TC से कम, critical value से कम, as well as, एक और define कर रहा हूँ मैं critical, J less than JC, J is less than JC, अभी बताऊंगा इसके बारे में. पहले इसको देखते हैं, जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है इट वेरीज विद टेम्परेचर. जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है. कैसे, ये टेम्परेचर का वेरिएशन जरूर याद रखेंगे, एच सी टी, एच सी जीरो, जीरो केल्विन पर, टी माइनस, ठीक है, टी ओवर टी सी होल स्क्वायर पावर वन बाई टू. क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है. तो HCT टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन कैसा होता है, HC जीरो, ओके, ये, ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. तो इसका जो वेरिएशन आता है, मतलब इसका जो ग्राफ आता है HCT का, ठीक है, वो ये आता है. या पहले देख लेते हैं कि एट एट टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन, एट टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन, एच सी टी किसके बराबर आएगा, एच सी जीरो के, जबकि एट टी इक्वल्स टू टी सी कितना आएगा, एच सी टी सी कितना आएगा, It would be zero. ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो केल्विन ये होगा, एट टी इक्वल्स टू टी सी ये होगा. ओके ये होगा. तो इसका मतलब क्या है, एट टी इक्वल्स टू टी सी, ठीक है, किसने ऑलरेडी सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सुपर कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड बाय टेम्परेचर, सिंस टेम्परेचर टी सी पहुंच चुका है तो सुपर कंडक्टिविटी ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, किससे, टेम्परेचर से. तो अब कोई मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. बट अगर टेम्परेचर जीरो केल्विन है तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए. इसका जो ग्राफ है वो कैसा आता है, वो आता है इस तरह, एच सी टी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ. टेम्परेचर ग्राफ इस तरह आएगा. अगर आप क्या कर रहे हैं, इफ यू आर प्लॉटिंग इट एच
CT वर्सेस, एक काम करो इसको आप ऐसे प्लॉट करो, इस एक्सिस पर हम रखेंगे एच सी टी, इस पर रखेंगे हम एच सी जीरो, इस पर हम रखेंगे टी बाई टी सी। तो जब जीरो केल्विन टेम्परेचर होगा तो इसका वैल्यू वन होगा रेशियो का, और जब टेम्परेचर T इक्वल्स टू टी सी होगा तो इसका वैल्यू वन होगा टेम्परेचर इसका T बाई टी सी का। तो ये वन वैल्यू कब आएगी यहाँ पर, जब T इक्वल्स टू टी सी होगा, और ये वैल्यू वन कब आएगी जब क्या होगा ये होगा, ऐसे ग्राफ आता है इसका, ठीक है। तो जब टेम्परेचर टीसी हो चुका होगा ऑलरेडी, तो आपको कोई क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर लूं। अब मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, व्हाट ये तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। व्हाट इज क्रिटिकल करंट डेंसिटी, व्हाट इज क्रिटिकल करंट डेंसिटी, क्रिटिकल करंट डेंसिटी, इसको लिखते हैं जीसी। तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट डेंसिटी दैट इज that can flow in superconductor, that can flow in a superconductor without destroying superconductivity. It is maximum amount of current density that can flow in superconductor without destroying superconductivity. Suppose ये maximum amount of current है, minimum नहीं। Suppose you have superconducting wire, okay, superconducting wire है मान लिया कोई, तो इसमें से आप कितना करंट भेज सकते हैं, कितना करंट डेंसिटी भेज सकते हैं मैक्सिमम, ये सुपर कंडक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो, जे, तो वो जेसी होगा, ओके। तो जे कितना भेजोगे आप सुपर कंडक्टिविटी जिससे डिस्ट्रॉय ना हो, जे का अमाउंट क्या होना चाहिए, जेसी से कम होना चाहिए, उसकी क्रिटिकल वैल्यू से कम होना चाहिए, ओके। तो इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट तो J को किससे लेस होना चाहिए, JC से। इसलिए फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट, मैं क्या कह रहा था यहाँ पर, फॉर सुपर कंडक्टिंग स्टेट क्या क्या फॉलो होना चाहिए, क्रिटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, जो उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो वो HC से कम होना चाहिए, टेम्परेचर TC से कम होना चाहिए, एंड करंट डेंसिटी JC से कम होना चाहिए, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर आपको मिलेगा, ओके, यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग, ठीक है।
ये हो गया, तो मैंने तीन क्रिटिकल वैल्यूज बताई हैं, ठीक है, तो ये होता है। तो एक ट्रायड है, मतलब वो तीनों का वैल्यू क्रिटिकल से कम होना चाहिए, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट ए सुपर कंडक्टर। तो ये हो गया, हाँ ये तो हो गया क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब जो टाइप वन या टाइप टू सुपर कंडक्टर है वो क्लासिफिकेशन एचसी के आधार पर ही आता है। तो एक्चुअली टाइप वन में क्या होता है, एक तरफ हम टाइप वन ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम टाइप टू ले लेते हैं। तो टाइप वन सुपर कंडक्टर इज वन, टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर फॉलोस मेसनर इफेक्ट strictly, type first superconductor follows Meissner effect strictly, means below TC it is परफेक्ट डायमैग्नेटिक, एंड अबव टीसी इट इज इन नॉर्मल स्टेट, इट इज इन नॉर्मल स्टेट। तो आप क्या देखते हैं यहां पर, ये किस किस के बीच में ग्राफ है? इस ग्राफ से आप बता सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टर है वो कैसा है। तो इस एक्सिस पर हम लेंगे माइनस एम, मैग्नेटाइजेशन माइनस एम आएगा ये, ओके, क्योंकि डायमैग्नेटिक सॉलिड है, ओके, तो मैग्नेटाइजेशन माइनस एम है, एच जो है वो प्लस एच है, ओके। तो क्या होगा, उसका जो ग्राफ होगा लीनियर होगा, ओके, कहां तक, कहां तक वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा? इट विल बिहेव एज परफेक्ट डायमैग्नेटिक अप टू एच सी, ओके। उसके बियॉन्ड क्या होगा, उसके बियॉन्ड जो कर्व है, उसके बियॉन्ड जो कर्व है, ओके, वो क्या होगा, वो सडनली क्या होगा, ड्रॉप होगा, और वो कौन सी स्टेट में आ चुका होगा, एच सी पर, वो कौन सी स्टेट में आ चुका होगा, यहाँ नॉर्मल स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट है ट्रायंगल के अंडर में, यहाँ सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और इधर कौन सी स्टेट है, नॉर्मल स्टेट। तो यहां पर जो ट्रांजिशन है, ओके, नॉर्मल स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, वो शार्प है या ग्रेजुअल है? तो यहां पर क्या होता है, शार्प ट्रांजिशन, शार्प ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, एट एच सी। तो शार्प ट्रांजिशन बताता है कौन से टाइप का सुपर कंडक्टर है, टाइप वन है या टाइप टू है, इट इज टाइप फर्स्ट, इट इज टाइप फर्स्ट, ओके। टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में क्या होता है, टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर, टाइप सेकेंड सुपर कंडक्टर follows
Meissner effect. Effect is strictly till at C1. At C1 क्या है? Lower critical magnetic field. ठीक है, strictly till at C1. ठीक है, whereas between at C1 and at C2. ठीक है, it does not follow Meissner effect. ओके, तो यहां देखिए ग्राफ में ये क्या है, ये माइनस एम है और ये एच है, ये माइनस एम है और ये एच है, प्लस एच अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में. ओके, तो वो जहां तक बढ़ेगा मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं HC1. HC1 का मतलब है लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एकदम से चेंज नहीं आता, जैसे इसमें आया था ना, यहां पर एकदम से वो किसमें बदल गया था, नॉर्मल में, एकदम नहीं बदलता वो नॉर्मल में, वो ग्रेजुअली बदलता है. ऐसे करके तो जहां पर वो पूरी तरह नॉर्मल में बदल जाता है, पूरी तरह उसका डायमैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं HC2. HC2 क्या है, इट इज अपर अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. HC1 लोअर, HC2 अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड. तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड HC1 से कम रहता है, वो कौन सी स्टेट में होगा, जब तक H का वैल्यू HC1 से कम रहता है वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहता है. कौन सी स्टेट में रहता है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट. यानी कि वो कैसे बिहेव करता है, परफेक्ट है मैग्नेटिक, उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, परफेक्ट डायमैग्नेटिक. ओके, जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, सॉरी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड HC1 से ज्यादा होगा बट HC2 से कम होगा, वो कौन सी स्टेट में रहेगा, वो रहेगा मिक्स्ड स्टेट में. कौन सी स्टेट में रहेगा, मिक्स्ड स्टेट में, या कौन सी स्टेट में रहेगा, वोल्टेइक स्टेट में. ओके, यहां पर वो कैसे बिहेव करेगा, यानी कि ये कौन सी, ये मिक्स स्टेट कहां से कहां तक है, HC1 से लेकर HC2 तक, इतने जोन में कौन सी स्टेट है, ये मिक्स स्टेट है. ओके, तो जो मिक्स स्टेट है उसमें वो कैसे बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक या परफेक्ट डायमैग्नेटिक, परफेक्ट नहीं है वो, यहां वो कैसे बिहेव कर रहा है, यहां पर इट इज ओनली डायमैग्नेटिक, नॉट परफेक्ट,
it is only diamagnetic, not perfect diamagnetic. Perfect diamagnetic कहाँ तक रहेगा वो? H जब HC1 से कम रहेगा तब तक वो perfect diamagnetic रहेगा. और HC2 के ऊपर क्या होगा? जब magnetic field HC2 के ऊपर आएगा तो वो किस स्टेट में आ चुका होगा? नॉर्मल स्टेट में आ चुका होगा. ओके, तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको कहते हैं हम क्या? टाइप वन एंड टाइप टू. ओके, यूजुअली क्या होता है कि जो टाइप वन सुपर कंडक्टर्स होते हैं यहां पर क्या होता है, टाइप वन सुपर कंडक्टर्स आर यूजुअली वन सुपर कंडक्टर्स आर यूजुअली यूजुअली सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स. सॉफ्ट सुपर कंडक्टर सिंस क्यों होते हैं सॉफ्ट? सिंस देयर एच सी इज स्मॉल. हार्डनेस या सॉफ्टनेस छूने में नहीं, मतलब मैकेनिकल हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाकर आप सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो दे आर सॉफ्ट बिकॉज देयर एच सी इज स्मॉल. थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाने से सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी. दे आर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स. ओके, एंड दे हैव वेरी लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. क्यों उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिमिटेड होती हैं? क्योंकि उनका एचसी कम है. थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाने से खत्म सुपर कंडक्टिविटी, इसलिए उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिमिटेड है. एग्जाम्पल्स, ओके, एसएन, पीबी, एचजी, ये सब क्या है? टाइप फॉर सुपर कंडक्टर्स. टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? आर यूजुअली हार्ड सुपर कंडक्टर्स. क्यों होते हैं वो हार्ड? सिंस देयर C2 जहां जाकर पूरी तरह खत्म होता है मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लार्ज. इसलिए क्या होता है? दे हैव दे आर यूज इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके, एग्जाम्पल्स, सबसे फेमस एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल इज यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड. यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड को शॉर्ट में लिखते हैं YBCO, सुपर कंडक्टर. ओके, अगर आप यट्रियम की जगह लैंथेनम लगाते हैं तो भी वो क्या जनरेट करेगा? LBCO, इसको कहा जाता है LBCO एक्सेट्रा. सो सबसे जो फेमस सुपर कंडक्टर है या प्रैक्टिकल्स यूज में काम आता है वो ये वाला है YBCO, वेरी इंपॉर्टेंट सुपर कंडक्टर.
जिसका टीसी भी अच्छा खासा होता है, इसका टीसी होता है लगभग 90 केल्विन, इस सुपर कंडक्टर का टीसी लगभग 90 केल्विन होता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना होता है, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर इज, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर कितना होता है 77 केल्विन, उससे ऊपर है इसका टीसी। इसका मतलब अगर आप इस सुपर कंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डुबो दोगे, ठीक है, तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा। ये क्या हो गया, तो वो अपनी सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होगा अगर आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर में, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल दोगे तो। ओके क्लियर, ये हो गया। तो ये हो गया टाइप वन टाइप टू सुपर कंडक्टर्स, किसके आधार पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ओके तो आई एम नाउ अनम्यूटिंग यू, हम बाकी का काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब पढ़ाने का। ओके अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको सो दैट कि आप क्वेश्चन पूछें, उसके बाद मैं क्वेश्चन ले लूँगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, ये जो मिक्सर स्टेट होती है ना सर, हाँ सर, इसमें साइमल्टेनियसली दोनों एग्जिस्ट करते हैं सर? हाँ हाँ यस। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे वहां पर? क्या नहीं कर पाएंगे सर? डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंस सर, इन दोनों का सर, किन दोनों का? देखो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए, ओके, यहाँ पर एक 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 ट्रेड ऑफ होता है किस किस के बीच में। देखो यहाँ पर जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड पेनेट्रेट तो कर रहा है बट पूरी तरह पेनेट्रेट नहीं किया है इतने जोन में। ओके तो जब वो पेनेट्रेट फुल्ली नहीं किया है तो वो डायमैग्नेटिक तो रहेगा, परफेक्ट नहीं होगा। ओके बट उसका जो रेसिस्टिविटी है ना, स्टिल इस रीजन में उसका जो रेसिस्टिविटी है बहुत कम होगा। अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करूं तो वो स्टिल बहुत कम होगा। तो हम प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए इस वाले जोन को इस्तेमाल करते हैं, HC1 से लेकर HC2 तक के जोन। हाँ ओके ठीक है सर। ओके सर, तो ये ध्यान रखिएगा मेसनर इफेक्ट जो होता है या टाइप 1 2 टाइप 2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर होता है, ना के टीसी के आधार पर। ओके Should I take questions now? Yes, sir. तो अब बताइए कहाँ तक के questions हम कर चुके थे? सर जो वो जो सुपर कंडक्टिंग वो जो रिसर्च नहीं हो रहा जो रूम टेम्परेचर में, वो कैसे हो रहा है सर? मतलब इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसको कहाँ तक लाने की कोशिश की जा रही है? रूम टेम्परेचर तक, क्योंकि अभी आप इसको रूम टेम्परेचर पर पावर ट्रांसमिशन में इस्तेमाल कर सकते हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया YBA2Cu3O7, अगर मुझे सुपर कंडक्टर यूज करना है, इसका टीसी 90 बताया मैंने आपको। यस सर। ओके तो अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर लूंगा तो ये अपनी कौन सी स्टेट में होगा? है तो सुपर कंडक्टर बट होगा कौन सी स्टेट में अपनी? नॉर्मल। नॉर्मल स्टेट में। जब वो अपनी नॉर्मल स्टेट में होगा तो उसका कोई यूज ही नहीं है। यस सर। इट हैज नो यूज जब तक वो अपनी नॉर्मल स्टेट में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कूल करना पड़ेगा किसके नीचे? टीसी के नीचे। टीसी के नीचे। तो अगर आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दोगे, लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर 77 केल्विन होता है अराउंड। यस सर। तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर टीसी से नीचे चला गया, अब वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाएगा, तब आप उसको यूज कर सकते हो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। ओके ओके ये है। तो अगर आप रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बना लेते हैं तो क्या होगा, आप उसको मतलब आपका जो पावर ट्रांसमिशन होगा ना, जो लॉसेस हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। यस सर। बट दैट इज ठीक है, अब तक दैट इज नॉट अचीव।
अचीव नहीं हुआ अभी तक। तो आप जरा बताएंगे क्वेश्चंस कहाँ तक हो गए हैं, मैं सारा काम खत्म करके चल रहा हूँ। असाइनमेंट 4 में बताओ क्या बचा है। असाइनमेंट 4 में 113 हो गए। यस सर। ओके ठीक है, तो 114, 115 में ले रहा हूँ। ओके मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन ही बचे होंगे इसमें। ओके यस सर, 5 बचे। 5 तो पढ़ लेते हैं फिर मैग्नेटिज्म। इन द हॉल इफेक्ट साइन ऑफ, ये करना जरा, मैं एक मिनट एक फोन कर लेता हूँ। तो थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है ना या नहीं हुई है? बची हुई है थोड़ी। किसकी थ्योरी? इसकी सर, सॉलिड की, पूरे पूरे सिलेबस की थ्योरी। अभी बचा हुआ है, बचा हुआ है। हाँ हाँ, सुपर कंडक्टिविटी बची हुई है अभी। ओके अभी डायलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बची हुई है सर। BCS थ्योरी है अपने में, है BCS थ्योरी, आगे आएगी BCS थ्योरी सुपर कंडक्टिविटी की। ओके हाँ जी हुआ। हेलो, ऑप्शन ए सर। देखो ये कह रहे हैं हॉल इफेक्ट साइन ऑफ हॉल वोल्टेज डिपेंड्स ऑन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, हॉल वोल्टेज इंट्रिंसिक में और एन टाइप दोनों में नेगेटिव होता है, ऐसा क्यों भाई? एन टाइप में तो नेगेटिव इसलिए होता है, उसका कारण क्या होता है? एन टाइप का कारण तो है एन ज्यादा होता है बहुत बहुत पी से। ठीक, और इंट्रिंसिक में क्या कारण है होने का? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल, ऐसा है कारण। दोनों को मिलाना है। तो अगर मैं ये लेता हूं तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि पहले तो इसकी बात कर रहा है, गलत। n इक्वल टू p इंट्रिंसिक में ऐसा होता है, इसलिए ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, गलत है। n ग्रेटर देन p इंट्रिंसिक में ऐसा होता है क्या? गलत है। तो क्या होगा? ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना, कि n म्यू n का प्रोडक्ट p म्यू p के प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। आगे, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर हॉल कोफिशिएंट ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल होल वोल्टेज वाज फाउंड टू बी टू स्मॉल टू मेजर। होल वोल्टेज बहुत कम था। ओके, उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? तो VH का एक्सप्रेशन याद है आपको? यस सर। क्या है बताओ? पाई x करंट है, BZ बाय NET, NET। ओके, तो क्या करोगे बोलो? इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, यस वेरी मच पॉसिबल। इंक्रीज द टेम्परेचर, गलत है, बिल्कुल गलत है। यूज अ लॉन्गर एंड थिनर सैंपल, थिकनेस का कुछ इफेक्ट है या नहीं? यस सर है।
जो जिस तरफ आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे वो थिनेस्ट साइड होनी चाहिए उस क्रिस्टल की या थिकेस्ट साइड? ओके, तो ये दोनों ही काम करेंगे वैसे तो, मैं आपको बताऊं, है ना, शोर्टर एंड थिकर सैंपल गलत है, वैसे तो दोनों ही काम करेंगे, बट दोनों में ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर सैंपल बहुत थिक हुआ फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना ही बढ़ाते रहो आप कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो सी होगा, तो सी ऑप्शन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ओके, ये है क्योंकि लॉन्गर अगर सैंपल नहीं हुआ ना तो क्या दिक्कत है बताओ? ये देखो यहाँ पर जो आप सैंपल लेते हैं वो इस तरह का होता है, अगर आपने शॉर्टर सैंपल ले लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये जो आप जो पाथ कर्व्ड होता है ना इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का, जैसे मान लिया करंट इस तरफ फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करते हैं? इधर, और ऐसे आते हैं। होल्स किधर मूव करते हैं? यूं। ओके, तब इनका पाथ जो है ना वो कर्व नहीं हो पाएगा, इतने में वो घूमेगा ना इतने में निकल जाएगा इस तरफ, तो कैसा सैंपल होना चाहिए? वैसे दोनों ही बातें सही है अगर इसको देखें ना, ठीक है, बट एक ही चूज करना है तो ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन है? ये वाला, ओके, थिनर एंड लॉन्गर। तो कम से कम कितना रेशियो होना चाहिए आइडियली लेंथ और इसका थिकनेस का? L by T 3 होना चाहिए लगभग, यानी कि उसकी लंबाई 3 गुना होनी चाहिए किससे? थिकनेस 116। A magnetic field sensor based on Hall effect is to be fabricated by implanting, ये AS है, R से नहीं गए, implanting AS, as नहीं है, AS है, AS मतलब arsenic, into a silicon film of thickness 1 micrometer, thickness दी हुई है 1 micrometer, ओके, मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी इतनी, करंट कितनी है, एक्साइटेशन करंट आई एक्स 1 mA, इम्प्लांटेशन डोज कितनी डोज डालें बताइए? आर्सेनिक डालने थे आप एनडी डाल रहे हैं या एनए डाल रहे हैं? एनडी। और ये एनडी किसके बराबर होगा? एन के, यस सर, बोलो। तो यहां पर पूछ रहा है एनडी कितना होगा, एन के बराबर होगा, वो तो सब ठीक है, फॉर्मूला क्या है? व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज? यू विल यूज होल वोल्टेज फॉर्मूला। क्या होता है करंट, होल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ले लो आप बस, क्या होता है आई एक्स बी जेड बाय इम्प्लांटेशन डोज ई टी। ओके, वी एच दे रखा है क्या यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी दिया है, वी एच बाय बी बी जेड क्या दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? वी एच मिली वोल्ट पर टेस्ला सेंसिटिविटी, होल सेंसर की सेंसिटिविटी है ये। ओके, तो एन का फॉर्मूला क्या बनता है? एन का फॉर्मूला बनता है आई एक्स by ET, और इसको एक साथ ले लेते हैं, VZ by कितना, VH। तो ये सेंसिटिविटी का वैल्यू पुट कर दो इसमें, आप करंट का वैल्यू पुट कर दो, सेंसिटिविटी का वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ मुझे जरा आंसर कितना आता। एवरीथिंग इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। करंट कितनी है? 1 mA, यानी कि दिस
मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी नीचे आएगा या ऊपर? नीचे। नीचे कितना? 500 माइनस 3 पावर, और ई ई का वैल्यू कितना है? बी माइनस 19, और इसका वैल्यू कितना है? एक और कुछ रहेगा, थिकनेस। थिकनेस कितनी है? 10^-6 1 है ना माइक्रो। ये आंसर कौन सी यूनिट्स में आएगा निकालने के बाद? पर मीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब? पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इतना आपको डोज डालनी पड़ेगी उसकी, अगर होल सेंसिटिविटी इतनी चाहिए तो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सेंसिटिविटी इतनी चाहिए। ओके, बी की वैल्यू नीचे क्यों की है? आप यूनिट देखो उसकी, बी जेड बाई वी एच दे रखा है क्वेश्चन में, या वी एच बाई बी जेड, क्या है? कैसे पता लगा हमें वी एच बाई बी जेड है? यूनिट सर, वोल्ट बाय, वोल्ट बाय टेस्ला है ना, ऐसे। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ दिया हुआ था मिली नहीं यूज किया मैंने, हाँ मिली, कर लिया माइनस 3। नहीं, ये मिली मैंने पता किसके लगाए, ये मिली तो मैंने करंट का लगा, नहीं ठीक है लगा दिया, ठीक है सर, ठीक है लगा दिया, मुझे लगा मैंने मिली को नहीं किया, तो मिली वोल्ट पर टेस्ला है। हाँ, नेक्स्ट बताओ। इन हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? होल वोल्टेज फॉर इंट्रिंसिक नेगेटिव आता है, क्यों आता है? ऑप्शन सी, क्योंकि म्यू ई का वैल्यू म्यू एच से ज्यादा होता है। या अगर ये होता ना और क्या हो सकता था, अगर ये लिख देता ना एम ई स्टार इज लेस देन एम एच स्टार, तो भी बात सही होती नहीं? यस सर, यस सर। का मतलब यही तो है ना सर, क्या ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ सकते हैं? नहीं, बट एक से ज्यादा पूछ ले तो हो सकता है। हाँ सर, अभी तो एमएसक्यू वाला होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। ओके, आगे चलो। हॉल कोफिशिएंट ऑफ सिलिकॉन वेफर वाज फाउंड टू बी दिस, हॉल कोफिशिएंट नेगेटिव शो कर रखा है। टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 100 to 400, टाइप ऑफ चार्ज कैरियर कौन होंगे? आर एच इज नेगेटिव, एन टाइप पी टाइप, एन टाइप। ओके, और एन टाइप का होता कितना है? आर एच डेंसिटी ओके, तो एन किसके बराबर होगा? ये वाला एन एनडी के, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन के, डोनर कॉन्सेंट्रेशन के। तो जरा कंपेयर करना कितना आएगा, 1/ कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज, एन डी कितना है? सेवन पॉइंट 10^-5 पर कितना, पर मीटर क्यूब। तो आंसर होगा एन टाइप में, कौन सा? और कोई बचा है इसमें? सब हो गए सर, बाकी
असाइनमेंट फाइव में वन हो गया, टू हो गया, थ्री. LED operates at 1.5 volt and 5 milliampere in forward bias. तो इसका मतलब पावर इनपुट कितना है उसका? इनपुट पावर, इनपुट पावर कौन सी लेता है वो? इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर या ऑप्टिकल इनपुट पावर? ऑप्टिकल. LED इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल लेता है, P into IV होता है ना. फाइव मिली, मिली मतलब माइनस का थ्री. कितनी इनपुट पावर ले रहा है वो? 7.5 मिली वॉट. ये इनपुट पावर वो ले रहा है. ओके, अज्यूमिंग 80% एक्सटर्नल एफिशिएंसी ऑफ एलईडी, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये फोटोन कैसे निकालता है? ये एलईडी फोटोन्स कैसे निकालता है? ये हो गया ईसी, ये हो गया ईवी. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होते हैं कहां से कहां? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप इनटू दिस टू रिकम्बाइन विद होल्स, क्या एमिट होता है? फोटोन. कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट होता है बताओ, बोलो. एलईडी में कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट होता है? ईजी का ये होते हैं ना. तो आउटपुट पावर क्या आएगी? पी आउट, ठीक है, P आउट आएगी. देखो मैं बताता हूं आपको, P आउटपुट पावर आएगी. ये बताओ H न्यू क्या है? एक फोटोन की एनर्जी. yes, sir, बोलो. ओके, और जब लाइट निकलेगी तो लाइट में एक ही फोटोन निकलेगा क्या? नो, देर आर एन नंबर ऑफ फोटोन्स. तो ये क्या बन गया? एनर्जी. ये बन गया एनर्जी. किसकी एनर्जी? बीम की एनर्जी ना, या फोटोन की एनर्जी? फोटोन बीम की एनर्जी होगी, बीम की एनर्जी. बट इसको पावर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड. बोलो. पर सेकंड. एन बाई टी क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ये हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड? एमिटेड. एमिटेड पर सेकेंड. क्लियर है? ये हो गया. अच्छा, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ एलईडी पी इन बाय पी आउट, या पी आउट बाय पी इन? आउट बाय पी इन. पी इन कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में? वो 80%. ठीक है, रख दीजिए सारी वैल्यूज. तो पी आउट, आउटपुट पावर कितनी हो गई अगर 80% एफिशिएंसी है तो? 0.8 इंटू कितना? 7.5. कितना? 6. बट हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि वो कितनी आउटपुट पावर दे रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना फोटोन निकालेगा पर सेकेंड. तो इसका वैल्यू पुट कर दो, एच न्यू एन बाई टी, एच न्यू इंटू एन बाई टी equals to 6 into 10 to the power minus 3. Clear है? Yes, sir.
तो n by t का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, n by t का वैल्यू होगा 6 × 10³ / h nu. अब आप बताओ h nu कहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, बट वहां पर डेटा मिसिंग था. ओके, यहाँ पर एग्जामिनर को एक और डेटा देना चाहिए था क्या? बैंड गैप ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए था, बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ऑफ एलईडी, यानी कि एलईडी जिस मटेरियल का बना हुआ है ना, इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. या सिंपली क्या कह देता, एलईडी किसका है? गैलियम आर्सेनाइड. इंफ्रारेड एलईडी है, किसका बना हुआ है? गैलियम आर्सेनाइड का. इतना डेटा भी बहुत होता, बट उसने तो कुछ कहा ही नहीं कि एलईडी कौन से मटेरियल का बना हुआ है. एलईडी तो बहुत हो सकती है, ग्रीन एलईडी हो सकती है, रेड एलईडी हो सकती है, ठीक है. जीएस से बनी हुई एलईडी कैसी एलईडी होती है? इंफ्रारेड एलईडी होती है, या ग्रीन या रेड या ब्लू एलईडी होती है? इंफ्रारेड एलईडी होती है. तो उसको बताना चाहिए था वहां, ठीक है. बट जब आंसर की में आंसर आया तो वो किससे मैच कर रहा था, मुझे कैसे पता लगा भाई गैलियम आर्सेनाइड है? हाउ आई वुड नो. फिर हमने दे रख के देखा कितना, 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें बदलेंगे जूल में. जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे आप? -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे. तो इतने फोटॉन्स पर सेकंड निकलेंगे इस मटेरियल से, कितने होंगे बताओ? आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁶ पर सेकंड फोटॉन्स निकलेंगे इतने. तो डी आंसर है इसका. ओके, क्या अगर हमें ना दिया जाए तो हम गैलियम आर्सेनाइड मान के कर सकते हैं क्वेश्चन? अगर आंसर फिट बैठ जाए तो, आई डोंट नो, ऐसा हमेशा नहीं होता है. ओके, बट फिर भी ठीक है, आप गैलियम आर्सेनाइड कर सकते हैं अगर फिट आए तो. ओके, ये हो गया. नेक्स्ट कौन सा है? 4 हो गया, 5 नहीं हुआ है. Output characteristic of a solar panel at a certain level of irradiance is shown below. Okay, ये भी net में आया हुआ question है. I think it should be very easy. तो ये क्या कह रहा है? Output characteristic of solar panel दे रखा है. Solar panel is to power a load of 5 ohms. 5 ohm की load line खींचो पहले आप इस. मैंने कहा था लोड लाइन यहां कट करेगी या यहां कट करेगी या यहां कट करेगी, उतना ही पावर ड्रॉ करेगा वो. यहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, कहां कट कर रहा है? 5 ohm का लोड लाइन आपको देखना हो. 5 ohm का लोड लाइन कहां से गुजरेगा? एक्जेक्टली मेटल से निकलेगा. तो यहां से निकलेगा, यहां से, यहां यहाँ कट कर रहा है वो उसको. ओके, तो इसका ये लोड लाइन क्या है? 5 ohm की लोड लाइन है. इसका 1/ रेजिस्टेंस क्या है? 1/5 है ना, ओम इनवर्स है ना. स्लोप इसका क्या है? इसका जो स्लोप है वो क्या होगा? वो होगा DI/DV. DI कितने कितने का अंतर है यहाँ पर? वन का अंतर है. ओके, और यहाँ नीचे वाले पर कितने का अंतर है? 5. तो यही हो गया ना ओम इनवर्स.
क्योंकि डी आई बाई डी वी है, 5 ओम की लोड लाइन है ये, तो कितना इतना वोल्टेज है यहाँ के करस्पॉन्डिंग 15 वोल्ट और यहाँ के करस्पॉन्डिंग कितनी करंट है 3। ओके तो कितनी मैक्स पावर ये ड्रॉ करेगा, 15 × 3 = 45 वॉट पावर ये निकालेगा, खींच लेगा उसमें से, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, if the gap between the ground state and the excited state energy level of electron in an atom is this much, estimate the wavelength of light the atom will absorb, kitna bolo eg ka value kitna hai 1 electron volt, to kitna wavelength wo absorb karega, simple hai to 12400 / 1 electron volt, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा 12,400 एंगस्ट्रॉम आएंगे, उसको माइक्रोमीटर में बदलो 1.24 माइक्रोमीटर आएगा, ये आएगा। नेक्स्ट difference between the electron and hole of a semiconductor laser is this much, difference between the electron energy and hole energy, okay, hole ki energy kitni hai, electron upar rehta hai, electron ki energy aur hole ki energy mein difference kitna hai 1.5 electron volt, band gap of semiconductor kitna hai 1.43 electron volt, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, लेजर की बात कर रहा है ना, ये लेजर में कहाँ होते हैं, ऐसे होता है ना, एन साइड का अगर मैं फर्मी लेवल आपको दिखाऊं तो ई सी एन, एन साइड में यहां तक भरे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है ना, ई एफ एन, और पी साइड का क्या स्थिति होती है, ये पी साइड का ई वी पी दिखाऊंगा इसको मैं, नीचे वाला पोर्शन पी साइड का मैं दिखाऊंगा आपको, ई एफ पी है ये, यहाँ क्या पर, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसके बीच में होल है ना, ये खाली जगह है ऐसे समझ, तो मैक्सिमम ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम एनर्जी है या मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है, मैक्सिमम है ना ये, डिफरेंस, और ये वाला कौन सा होता है, ये वाला, ये मिनिमम है ना, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस, मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है और कोई होल यहां बैठा है, तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, ये या मतलब फर्मी लेवल पर बैठा है कोई इलेक्ट्रॉन कोई होल, ठीक है, तो उनका एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम हो गया। अब करना जरा, क्या निकलवाने के लिए बोल रहा, अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है,
अब मैं लिखूंगा यहाँ पर एच न्यू, फोटोन जो निकलेगा मैक्स का कब निकलेगा बताओ, जब आप मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस लेंगे, और मिनिमम का कब निकलेगा, जब एनर्जी डिफरेंस को आप मिनिमम लेकर चलेंगे, तो न्यू मैक्सिमम कितना हो गया ई ई 1.5 माइनस 19 डिवाइडेड बाय कितना, ये क्या होता है जानते हो, एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट, हर्ट्ज में आएगा ये आंसर। एच न्यू मिन कितना होगा, ये होगा ई जी के बराबर, न्यू मिन कितना होगा, ई जी कितना 1.43 माइनस 19 बाय ये दोनों निकाल दो मैंने, हर्ट्ज में जो आंसर आएगा वही आंसर, बोलो कितना कितना है 3.6 × 10⁴ नीचे का सर, नीचे वाला 3.45 × 10⁻¹⁵ और ऊपर का 3.61 कौन सा सही है सर, 14 है पावर में, तो पावर 14 है सर, कौन से वाले का, नीचे वाले का? दोनों कौन सा एप्रोप्रिएट है, tell me which one is more appropriate, B option. और तो कोई लग ही नहीं रहा, B है, okay, yeah, upper और lower, yeah, ये ज़्यादा appropriate है, एक नंबर, इसमें कितने questions हैं total? 62 है। ओके, ये भी नेट में आया हुआ है। तो पावर डेंसिटी ऑफ सनलाइट इंसिडेंट ऑन सोलर सेल इज दिस मच। पावर डेंसिटी क्या रहा है? ये किसकी यूनिट है? ये जो यूनिट है ना वो इंटेंसिटी की यूनिट है, तो इंसिडेंट इंटेंसिटी कितनी है, या मैं ऐसे कह देता हूं इंसिडेंट पावर पर यूनिट एरिया कितनी है, इंसिडेंट पावर पर यूनिट एरिया, मैं आई एन लिख रहा हूं इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट या इनपुट कितनी है, 100 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये कह रहा है फिर शॉर्ट सर्किटेड करंट डेंसिटी कितनी है, ये भी पर यूनिट एरिया में है, तो आईएससी शॉर्ट सर्किटेड करंट कितनी हो गई, जेएससी जो इन्होंने दे रखा है इनटू एरिया, बोलो तो कितनी होगी बताओ, 30 इनटू एरिया, 30 into area, यूनिट क्या हो गया इसका, मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर टू, ये एरिया है, एरिया ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ सोलर सेल, सर मिली एम्पियर आएगा ना कहाँ पर, हाँ सही सही, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो मिली एम्पीयर आएगा, ठीक ठीक। आगे बताओ, ओपन सर्किट वोल्टेज वीओसी 0.7 वोल्ट,
ये कह रहा है फिल फैक्टर ऑफ द सोलर सेल डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस. तो पहला फिल फैक्टर कितना है? पहला जो फिल फैक्टर है ईटा वन. कैसे डिफाइन करते हैं फिल फैक्टर? ज्यादा कुछ ये होता है आई एस सी वीओसी. ओके, तो अब क्योंकि हम वन डिफाइन कर रहे हैं तो मैं इसको पी वन ले रहा हूँ, पावर मैक्सिमम वन. आई एस सी का वैल्यू फिट करो इसमें 30, क्योंकि मिली है, मिली के लिए हम क्या यूज करेंगे? माइनस 3 इंटू एरिया. एरिया को ऐसे रखेंगे अभी. और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है? ये कितना फिल फैक्टर है पहला वाला? 0.8. तो कितनी मैक्सिमम पावर ड्रॉ होगी पहली बार में, या पर यूनिट एरिया कितनी मैक्सिमम पावर ड्रॉ होगी पर यूनिट एरिया पहला जब फिल फैक्टर 0.8 है तब? ये हो गया वॉट? यस सर. अब इसको ऐसे लिख लो 16.8 मिली वॉट. वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर था ये, क्योंकि एरिया है ना नीचे डिनोमिनेटर. तो ये क्या बन गया? मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4. ये समझ में आ गया ना? फिल फैक्टर जब 0.8 है तब कितनी मिली वॉट पावर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है? इतना. ईटा 2. अच्छा, तो एफिशिएंसी 1 निकाल लेते हैं. जब ऐसा है तो एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है? एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल होती है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट. बोलिए, आउटपुट पावर कितनी है? ये आउटपुट पावर है ना, ये आउटपुट पावर पर यूनिट एरिया है. कितनी है? 16.8 बाय एरिया इनटू. इनपुट पावर कितनी है? 100 बाय एरिया. ये भी वही है ना. तो दोनों की यूनिट सेम है ना, मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट विल बी कैंसिल्ड. परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे? तो कितना एफिशिएंसी है? ओके, एफिशिएंसी इज 16.8%. ओके, ये एफिशिएंसी 1 है. ओके, दूसरा एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? दूसरे केस में आप पावर निकालिए. दूसरे केस में कितनी पावर जाएगी? P2. पहले तो आप फिल फैक्टर लिखो ईटा 2. P2 बाय ISC VOC. जीरो पॉइंट फाइव है शायद. तो कितना आएगा यहाँ से पावर? 2 बाय एरिया सर. 10.5 इंटू 10^-3 मिली वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6 आई थिंक. तो एफिशिएंसी 2 कितनी आएगी? 10.5% 10.5% यानी कि अगर फिल फैक्टर कहां से कहां हो जाए, फिल फैक्टर 0.8 से घटकर 0.5 हो जाएगा, उस टाइम एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल घटकर कितने से कितनी हो जाएगी? 16.8 से घटकर 10.5 हो जाएगा. ठीक है? नहीं ठीक है, उसको आप कर सकते. क्वेश्चन नंबर 9, 10 अभी नहीं कर पाओगे आप, 11 भी नहीं कर पाओगे, 12 देखते हैं.
12 नंबर क्वेश्चन 13 भी ले आता हूं मैं. मैग्नेटिक लॉन्ग रेंज ऑर्डर किस में मिलता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में मिलता है, पैरा में, डाया में, किस में मिलता है? ट्रांजिशन मेटल्स फेरो फेरो में मिलता है. ओके, फेरोमैग्नेटिक में मिलता है. ओके, ऐसा जो फेरोमैग्नेटिक है वो कौन सी मेटल्स में मिलता है? एल्कलाइन मेटल्स में, नोबल में, इनर्ट में, या ट्रांजिशन? ट्रांजिशन मेटल्स में. ट्रांजिशन मेटल्स मतलब आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा में. बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेमीकंडक्टर विद पीएन जंक्शन डायोड विद नो एक्सटर्नल बायस? टोटल चार्ज इन द जंक्शन इज नॉट कंजर्व्ड. टोटल चार्ज इन द जंक्शन इज कंजर्व्ड ना, गलत है. पी साइड ऑफ द जंक्शन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सही है गलत? पी साइड ऑफ द जंक्शन इज नेगेटिवली चार्ज, यस. नो चार्ज डेवलप्ड एनीवेयर इन द जंक्शन, दैट इज आल्सो रॉन्ग. तो क्या सही है? सी. पी साइड ऑफ द जंक्शन में क्या क्रिएट होते हैं? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है इन मोबाइल आयंस की वजह. ओके, 14, 15. ये आपने स्टैटिस्टिकल में पढ़ लिया होगा उसे. ओके, जो सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है? फेज ट्रांजिशन, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इट इज द फेज ट्रांजिशन It is the phase transition it is the phase transition in which latent heat is not required. Latent heat is not required at transition point. Transition point पर कोई latent heat की requirement नहीं होती. Okay? ऐसे transition को क्या कहते हैं? Second order phase transition. इसके examples कौन है? एग्जाम्पल्स, पहला दो एग्जाम्पल तो यही के हैं. क्या कहा? फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्टेट, ठीक है, टू पैरामैग्नेटिक स्टेट
पैरामैग्नेटिक स्टेट ओके और वाइस वर्सा, फेरोमैग्नेटिक स्टेट टू पैरामैग्नेटिक स्टेट और वाइस वर्सा ओके इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. ये किस पर होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? लेटेंट हीट तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा, 10th 12th में पढ़ाया जाता है क्या होती है लेटेंट हीट. ओके बताइए क्या होती है लेटेंट हीट. अगर हम एक ही टेम्परेचर टी पर ओके ठीक है एक वेपर स्टेट ले ओके और एक लिक्विड स्टेट ले ओके तो क्या होगा बताइए क्या होगा? दोनों की एनर्जी सेम होगी? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी उनका मतलब सेम एनर्जी पे रहेंगे. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप एक दो स्टेट लो मतलब वाटर ओके और क्या वाटर वेपर, वाटर की लिक्विड स्टेट और वाटर की वेपर स्टेट, वाटर लिक्विड. टेम्परेचर इज सेम, विच विल हैव मोर एनर्जी? बोलो वाटर वेपर, वाटर वेपर या वाटर लिक्विड? एक एग्जांपल नहीं पढ़ते थे, एक एग्जांपल पढ़ते थे हमने बचपन से याद है मुझे. ओके क्या हम एक्चुअली हिंदी में पढ़ते थे और इसका नाम होता है गुप्त ऊष्मा. गुप्त ऊष्मा सर. ओके हम पढ़ते थे कि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से जलाया जाए मतलब जले अगर मतलब बॉडी शरीर अगर जले ओके तो किसमें ज्यादा मतलब वो होगी जलन? वेपर में. हाँ वाटर वेपर में ज्यादा होगी. क्यों होगी? वो पढ़ते थे वहां पर क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा होता है, ज्यादा होगी इसलिए. ठीक है तो एक्चुअली इट इज हिडन. ठीक है लेटेंट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ. ओके ठीक है जो बाहर से ना दिखता हो. ओके तो ये टेम्परेचर दोनों का सेम है. ओके टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ. ओके बट ये मतलब टेम्परेचर इंड्यूस नहीं है, ये क्या है उसका इंटरनल है जो हिडन है. ओके इसलिए तो क्या होगा अगर हम सेम टेम्परेचर पर दो अलग अलग स्टेट लें, वेपर की स्टेट लें, लिक्विड की स्टेट लें या सॉलिड की स्टेट लें. जैसे वाटर होता है ना, जैसे वाटर अपने ट्रिपल पॉइंट पर हो, ऐसा ट्रिपल पॉइंट पढ़ा है कभी आपने? पढ़ा होगा ट्रिपल पॉइंट का यूज. यस सर. जिसमें तीनों स्टेट क्या करती है, को एग्जिस्ट करती है ना. एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट को एग्जिस्ट करें. ओके तो उस पॉइंट पर क्या तीनों स्टेट की एनर्जी सेम होगी, इंटरनल एनर्जी? नो सर. नहीं होगी. ठीक है उनमें अंतर किसकी वजह से आएगा? टेम्परेचर की वजह से. नो. किसकी वजह से आएगा? ठीक है इंटरनल एनर्जी यानी कि लेटेंट हीट की वजह से आएगा, गुप्त ऊष्मा की वजह से सर, है ना. तो इट इज लेटेंट, लेटेंट मतलब छुपा हुआ, समथिंग हिडन. तो फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक स्टेट में जो ट्रांजिशन होता है, टेम्परेचर क्रिटिकल सॉरी क्यूरी टेम्परेचर नाम है ना सर टीसी का, वो कैसा ट्रांजिशन है? सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है. दूसरा अभी अभी मैंने बताया था सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल स्टेट टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये किस टेम्परेचर पर होता है? इसमें इसमें होता है ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर. देखो जो लिख रहे हैं हम टीसी ही लिख रहे हैं, इसका मतलब क्यूरी है और इसका मतलब क्रिटिकल है. ये भी एक सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होता है. ओके नंबर तीन, बाकी आप वैसे पढ़ते होंगे हमारे यहाँ पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में दो ही ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है. ओके बाकी आप वहां पर पढ़ते होंगे स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जैसे आपने पढ़ा होगा लिक्विड हीलियम, एक लिक्विड हीलियम फर्स्ट होता है ना,
और एक होता है लिक्विड हीलियम सेकंड, लिक्विड हीलियम सेकंड। पैरा हीलियम एंड कौन कौन सी हीलियम होती है? ऑर्थो हीलियम, यस। ओके, तो वो लैम्डा पॉइंट बोलते हैं उस टेम्परेचर को, लैम्डा पॉइंट। उस पर जो ट्रांजिशन होता है वो कैसा ट्रांजिशन है? सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या है, दो ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन, इन दोनों को ध्यान रखिएगा बस। आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए इन दोनों को ध्यान रखना है। ये कौन कौन सी है, क्या सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। अब बताओ 14 का आंसर। बी ऑप्शन सर। लिक्विड टू गैस ट्रांजिशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर या लिक्विड टू गैस क्लोज टू ट्रिपल पॉइंट, क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट। आगे चलो, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कौन होता है, मैं बता देता हूं आपको। सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में कौन कौन से कर्व्स डिस्कॉन्टिन्यूअस आएंगे, मैं बता देता हूं आपको। इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, इन सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन ठीक है, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन प्लॉट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी, प्लॉट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी कौन होते हैं? प्लॉट ऑफ स्पेसिफिक हीट, प्लॉट ऑफ स्पेसिफिक हीट, प्लॉट ऑफ स्पेसिफिक हीट, प्लॉट ऑफ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ओके, एंड और कौन होता है, स्पेसिफिक हीट हो गया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया, एंड आइसोथर्मल, वैसे हमारे यहाँ यूज नहीं होता है, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ओके, बल्क मॉड्यूलस, यहाँ की प्रॉपर्टी नहीं है, ओके, सॉलिड स्टेट मतलब जो मैकेनिक्स में आ जाए, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, शो डिसकॉन्टिन्यूटी एट ट्रांजिशन पॉइंट। तो ये जो है ना, एटलीस्ट आप दो तो याद रखनी है आपको, स्पेसिफिक हीट का ग्राफ और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी शो करेगा किसमें, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में। जबकि हाउएवर मैग्नेटाइजेशन एंड क्या और कौन पैरामीटर है यहाँ पर इंटरेस्ट का, मैग्नेटाइजेशन है और कौन, एंट्रोपी, भाई एंट्रोपी का डेरिवेटिव ही तो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है ना, मैग्नेटाइजेशन एम, एंट्रोपी एस क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस एट ट्रांजिशन पॉइंट। ये कौन से डेरिवेटिव्स हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये कौन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कॉन्टिन्यूटी शो करेंगे, बस इतना याद कर लेना, बाकी आप कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको, उसमें पढ़ेंगे आप स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, यहाँ के लिए इतना बहुत है, मैग्नेटाइजेशन कॉन्टिन्यूस होगा एंड एंट्रोपी कॉन्टिन्यूस होगी, ओके। अब इसका आंसर दीजिए, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन वो होता है जिसमें फ्लोट ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शोज डिसकॉन्टिन्यूटी, नो सर गलत, फ्लोट ऑफ स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शोज डिसकॉन्टिन्यूटी, यस, प्लॉट ऑफ वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, नो, प्लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज कॉन्टिन्यूस, इसको होना चाहिए था डिसकॉन्टिन्यूस, तो क्या सही है, बी, ओके। तो जहां आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पढ़ेंगे ना थर्मल फिजिक्स में, वहां आपको पता लगेगा, ठीक है,
कि कौन से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी होते हैं और कौन से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी होते हैं। ओके अब मैं ले रहा हूं 16 क्वेश्चन। Okay. A ferromagnetic material has a Curie temperature. TC का वैल्यू दिया हुआ है. What is the TC value here in this question? It is 100 Kelvin. Its susceptibility is doubled when it cooled below 300 Kelvin to 200 Kelvin. ये हम चेक करेंगे. चेक करके देखेंगे. ये कह रहे हैं all atomic magnets in it get oriented in same direction above 100 Kelvin. सही बात है गलत है? ये कह रहे हैं T greater than TC पर सारे मैग्नेट, सारे जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट रहते हैं. इज दिस रॉन्ग और करेक्ट? इट इज कंप्लीटली रॉन्ग सर, रॉन्ग. फिर कह रहे हैं प्लॉट ऑफ इनवर्स ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर इज लीनियर. ये बात सही है. 1/chi वर्सेस जो टी ग्राफ होता है वो लीनियर होता है. उसका स्लोप टीसी होता है, ऐसा कह रहे हैं. स्लोप टीसी होता है, इंटरसेप्ट टीसी होता है? स्लोप इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट होता है. स्लोप 1/c होता है. स्लोप 1/c होता है सर. आ गया ग्राफ ये वाला, है ना? तो इंटरसेप्ट है ना टीसी? यस सर, स्लोप को कांस्टेंट है. तो ये गलत है. आगे चलो. प्लॉट ऑफ इट्स ससेप्टिबिलिटी काई वर्सेस टी इज लीनियर विद इंटरसेप्ट टीसी. ये इनवर्स नहीं है. काई वर्सेस टी का स्लोप वो बता रहा है, इंटरसेप्ट टीसी. ये गलत, ये गलत. तो अब इसको टेस्ट करना पड़ेगा इस वाले को. कह रहा है इसकी ससेप्टिबिलिटी डबल हो जाती है कब? जब हम इसको 300 से 200 में कूल करते हैं. तो टेम्परेचर T1 कितना है? 300 केल्विन. और T2 कितना है? 200 केल्विन. ये दोनों टेम्परेचर TC से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है. ज्यादा है. ज्यादा है. Since T1 and T2 both are greater than what? TC. तो क्या susceptibility का relation follow होगा? Paramagnetic वाला. आप बताइएगा मुझे कौन सा follow कर रहा हूं मैं, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला सर. ऊपर वाला सर. ये वाला है ना. ये T greater than TC के लिए फॉलो होता है. तो काई वन कितना हो गया? C/300 माइनस TC कितना? 100. ये तो C/200 आ रहा है ये तो. और काई टू कितना आ रहा है? C/100 आ रहा है. ओके क्या रिलेशन है दोनों में? काई टू टू काई वन तो हो गया डबल, नहीं हुआ? यस. तो ये स्टेटमेंट सही है इसका मतलब. ओके ये हो गया 16. सर बी क्यों गलत है इसमें? क्या बी ऑप्शन? टी ग्रेटर देन टीसी में वो पैरामैग्नेटिक स्टेट में रहता है और पैरामैग्नेटिक स्टेट में तो रैंडम ओरिएंटेशन होता है ना मैग्नेट्स का, एटॉमिक मैग्नेट्स का.
यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स का रैंडम रहता है या अलाइंड रहते हैं वो रैंडम रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अलाइंड हो जाते हैं हाँ बट ऐसा तो नहीं कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का When liquid oxygen is poured down to close a strong bar magnet, oxygen stream, repel होगी या attract होगी ये बताना आपको अगर repel होगी तो वो diamagnetic की तरह act करेगा और अगर attract होगी तो paramagnetic की तरह act करेगा किसकी बात कर रहा है oxygen. Oxygen O. कैसा material है डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बताइए सोच समझ कर डायमैग्नेटिक कैसे 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 ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं मुझे तो नहीं लगता पेयर्ड होते हैं लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 पेयर्ड 2s2 पेयर्ड और बताओ 8 होता है ना 2p4 4 होता है अनपेयर्ड अनपेयर्ड है तो आप बताओ पेयर्ड है सर दो अनपेयर्ड है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अब बताओ यहां पर तीन है तीन पार्ट होते हैं इसके 2p बाकी तो 1s और 2s को मैं दिखाई नहीं रहा हूं रीजन क्योंकि वो उसमें कोई जरूरत नहीं थी पहले एक एक भरेगा फिर पेयर्ड होगा होम्स प्रिंसिपल कह रहा है ऐसा करने के लिए अब बताओ ये अनपेयर्ड है या पेयर्ड है अनपेयर्ड ही लेंगे ओके तो क्या कैसे इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा स्पिन वो जीरो आएगा नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट हैज टू Unpaired electrons. ये तो आपने एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल बहुत जरूरी है वहां के लिए क्या होगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पैरा तो रिपेल होगा अट्रैक्ट अट्रैक्ट तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है कभी सोच रहे हो कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो कोई भी वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा नो ऐसा नहीं है आपको देखनी होगी पेयरिंग टाइम हो गया क्या बस एक कर लो 18 को छोड़ रहे हैं हम 19 कर लो इट विल टेक हार्डली 30 seconds. One by chi versus T. किसके लिए? Anti ferromagnetic के लिए. क्या होगा? B option. Okay, that's it. इतना रखते हैं आज. बाकी कल देखेंगे. कल पहले पढ़ाऊंगा. And then we will see the questions. Okay. So 19, 20, 40 questions के आसपास बचे हैं. Super conductivity dielectric. दो topic बचे हैं पढ़ाने के लिए. Hello sir, sir, first two slides क्यों कर दिए? सर आप पढ़ाएंगे नहीं ना नहीं नहीं क्लास खत्म हो गई एक्सक्यूज मी सर थैंक यू सर द सुपर कंडक्टिविटी का फर्स्ट स्लाइड दिखाइए सर एक बार 14th क्वेश्चन बता दो सर एक डाउट था सर सर ये जो आपने जो लास्ट लेक्चर में वो जो ग्राफ कराया था ना वो 1 2 3 4 5 वाला मतलब जिसमें हमें निकालना था सब ग्राफ सब प्लॉट एक ही में ग्राफ में था जो हाँ
तो उसमें जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना फोर और फाइव जो, तो हमने ग्राफ तो मतलब अगर वो पॉजिटिव में आ रहे तो हम बोलते उसे पॉलीपैरामैग्नेटिज्म, और नेगेटिव में उसे डायमैग्नेट परफेक्ट डायमैग्नेट। हाँ वो परफेक्ट नहीं, कोई भी डायमैग्नेटिक नॉट परफेक्ट। ओके तो अगर वो माइनस वन वैल्यू लेता है तो क्या होगा, इट वुड बी परफेक्ट। ओके और अगर वो माइनस वन से ज्यादा वैल्यू ले रहा है क्योंकि वन बाई काई प्लोट कर रहे हैं ना। हाँ वही पूछना था, वन बाई काई। हाँ तो वन बाई काई प्लोट कर रहे हैं तो अगर वैल्यू वन से कम होगी मतलब मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो क्या होगा, इट वुड बी लार्ज वैल्यू, मतलब वन बाई काई की वैल्यू लार्ज दिखाई देगी। यस सर। हाँ ये हो गया सुपर कंडक्टिविटी की पहली स्लाइड। Yes, तो मतलब जो नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा वो डायमैग्नेटिक ही रहेगा ना, वन बाई काई होने से भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. वो तो नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, मतलब या तो लेस नेगेटिव बनेगी या मोर नेगेटिव, ऐसा होगा ना। नेगेटिव बनेगी। हाँ हाँ। अगर काई का वैल्यू माइनस वन होगा तो वन बाई काई भी माइनस वन होगा। बट अगर नॉर्मल डायमैग्नेटिक होगा उसमें काई का वैल्यू मान लिया 10^-5 के ऑर्डर का आ रहा है, ओके, तो -6 के ऑर्डर का आ रहा है, तो 1/काई का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, बट उसका ऑर्डर जो है वो 10^+ प्लस बन जाएगा, यानी कि ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा उतना ही। yes, बस इतना होगा, नथिंग एल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, एक बार 14th क्वेश्चन बता दो। तो फेज ट्रांजिशन, ठीक है, कहाँ पर? yes, ट्रिपल पॉइंट। yes, हाँ तो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर सारी स्टेट्स को एग्जिस्ट करती है। ओके तो सर यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों नहीं ले रहे? कहाँ पर सर? जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का, सर वो क्यों नहीं ले रहे हम? क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता जब हम लिक्विड और मतलब ट्रांजिशन पढ़ते हैं, फेज ट्रांजिशन पढ़ते हैं, तीनों फेजेस जब कोएग्जिस्ट करते हैं ये तो अच्छा ये बताओ बात समझिए, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें स्टेट का भी ट्रांजिशन हो रहा है क्या? मतलब इसमें लिक्विड से, मतलब जैसे फेरोमैग्नेटिक स्टेट सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट? टेल मी। यस सर। सर सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, और पैरामैग्नेटिक स्टेट सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है? सर सॉलिड। सॉलिड, तो क्या इसमें ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है कि जिसमें लिक्विड से सॉलिड बन रहा हो, सॉलिड से गैस बन रहा हो, ऐसा कुछ हो रहा हो? नो सर। नहीं ना, तो ऐसे ट्रांजिशन किस पर होते हैं? ऐसे ट्रांजिशन क्रिटिकल बोलते हैं उनको, है ना, ये भी क्यूरी है। जैसे इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्यूई। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर ही है। ओके इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ओके लिक्विड से लिक्विड में ही बदल रहा है। ओके बट जो वैसे ट्रांजिशन होते हैं ना, जो जिनमें क्या होता है एक तरफ से क्या आए ऐसे दिखाए जाते हैं, ऐसे ऐसे तीन स्टेट्स दिखाई जाए, ऐसे दिखाई जाते हैं ये पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, ये कौन है, ये अगर मान लिया क्या है, लिक्विड लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ओके तो ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ जब दिखाओगे तो? ये विल बी ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट? सर ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट। ओके सर आ गया समझ में, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी सर, आपने बताया था ना सर उसमें सर डायमैग्नेटिक में सर एग्जांपल एक कॉपर की सर। हाँ हाँ सर, आपने वहां पर बताया था कि हम इंडिविजुअली कॉपर को नहीं लेते, हम एज अ होल लेते हैं, एज अ सॉलिड, तो हम उसमें देखते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर की, तो उसी के हिसाब से हम फिर लेते हैं डायमैग्नेटिक हो गया पैरामैग्नेटिक, तो फिर वो डायमैग्नेटिक था सर। अभी आपने सर जो क्वेश्चन करवाया ना सर ऑक्सीजन का सर, तो सर ऑक्सीजन तो हम सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकते ना एज एन एटम। नहीं इसमें क्या है, सुनिए बात समझिए, ठीक है। यस सर। ये एटॉमिक ऑक्सीजन की स्ट्रीम होगी। ओके ये एक मिनट गया, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन में O2 होता है या O होता है?
एक मिनट मैं देख लेता हूँ, आई थिंक मैंने जहाँ कहीं पहले पढ़ा होगा, मैं देख लेता हूँ, आई नीड टू लुक, वेट जस्ट अ मिनट, लिक्विड ऑक्सीजन. तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसमें लिखा हुआ है व्हाई लिक्विड ऑक्सीजन इज मैग्नेटिक, ओके, या पैरामैग्नेटिक, ठीक है. तो उसमें लिखा हुआ है रीजन इज दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके. इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ओनली गो अराउंड एटम इन देयर ऑर्बिटल, दे ऑल्सो स्पिन. ये तो सब जनरल बात है लिखी हुई, ओके. तो यहां पर क्या होगा, जो O2 मॉलिक्यूल भी बनेगा ना, आप बात समझ रहे हैं, yes, sir. है ना, वो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, ओके. अब मुझे एक बार देखना होगा कि O2 मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग होती है. O2 मॉलिक्यूल में तो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, yes, sir. ओके, हाँ, एक मिनट, O2 मॉलिक्यूल होता है, O2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ओके, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो, लास्ट टू, हाँ, ये इसका जो लिखा हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यस सर, हाँ, तो इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी जो होगा ना, पैरामैग्नेटिक, आपने ठीक बात पॉइंट आउट की है, O2 मॉलिक्यूल भी जो होगा, O2 मॉलिक्यूल हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ओके, ओके सर, है ना, हाँ, O2 मॉलिक्यूल में, और उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, ये मैंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था, सो इसमें केमिस्ट्री है काफी, आई थिंक, छोड़ो उसको आप, है ना, ठीक है ओके, थैंक्स सर. सिग्मा और फिर पाई बॉन्ड बनने लग गए हैं सर, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर बॉन्डिंग एंटीबॉडी कुछ ऐसा होता है, सर, ठीक है, ठीक है, ओके. और बताइए सर, सर क्या क्या कह रहे हैं सर, 6, 7 और 8 नंबर स्लाइड दिखा दीजिए, एक दो तीन चार पांच छः, इसको देख रहे हो आप, छः ना, सात आठ, ओके, थैंक यू. सर जैसे इसमें टी लेस देन टी एन पे आपने बताया था ना, कॉम्प्लेक्स में हम लोग प्लॉट डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें कैसे प्लॉट किया है, इसमें मतलब बिहेवियर ऐसा है, फंक्शन नहीं, ये कोई फंक्शन नहीं बता पा रहा है मतलब, बट उसका प्लॉट एक्सपेरिमेंटली ऐसा आता है, ओके, मतलब आप बात समझिए, मतलब उसका पॉइंट वाइज अगर हम डॉट 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 करके ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा आएगा, हाँ. मतलब इसके लिए कोई फिक्स फंक्शन नहीं है, जिस हाँ फिक्स फंक्शन नहीं है ऐसा कह सकते हैं, ये जो है ना बिहेवियर हम डॉट 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 करके डिफाइन करते हैं तो ऐसा आता है, मतलब पॉइंट्स को मिलाने पर ऐसा, ओके, बट उसका कोई फंक्शन नहीं है, ना तो पैराबोलिक फंक्शन है ना ही लीनियर फंक्शन है, ऐसा करके, ओके, ठीक है सर.
सर एक बार क्वेश्चन 7 तो बता दो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। इसमें आप जानते हैं सेमीकंडक्टर लेजर में होते हैं डीजनरेट सेमीकंडक्टर, जिनमें फर्मी लेवल एन टाइप के कंडक्शन बैंड में लाई करता है यहाँ, और पी टाइप के वैलेंस बैंड में लाई करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, वो अगर यहाँ वाले होल से मीट करेंगे आकर, तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी फोटोन की, वो इतनी होगी मैक्सिमम, बता रखिए ना मैक्सिमम, ठीक है। और अगर यहाँ पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले होल से मीट करेगा तो मिनिमम एनर्जी लिबरेट होगी, तो इसलिए मैक्सिमम एनर्जी तो बता रखी है उन्होंने वो, और मिनिमम एनर्जी किसके बराबर, बैंड गैप के बराबर। फिर हमने क्या किया, उस एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में बदला है। आप जानते हैं फोटोन कितनी एनर्जी का निकलता है, एच न्यू, इससे दोनों हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। ओके ओके सर, थैंक यू। सर एक बार टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर का स्लाइड एक बार निकालिए ना। सर यहाँ पे ये जो लिखा है ना, टाइप 1 सुपरकंडक्टर फॉलोज मेसनर इफेक्ट स्ट्रिक्टली बिलो टीसी, ये सर एचसी होगा ना? ओ यस, सही है, एचसी होगा, सही है। मतलब टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर मेनली एच के ऊपर ही, एच के साथ ही उसका कंपैरिजन करते हैं ना। हाँ हाँ, एच अच्छी बात है, बिलो एक्सी है ना, ठीक है, ओके थैंक यू। ओके बाकी नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सर। एक सेकंड, मतलब टीसी से नीचे ही तो होगा ना मिसनर इफेक्ट, टीसी से ऊपर थोड़ा ना मिसनर इफेक्ट, वो बात होगी ना दोनों टीसी एचसी से, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। ये भी अच्छी आएगा क्योंकि यहाँ किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, H के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, क्योंकि ये मैसनर इफेक्ट है अबाउट H C, ठीक है सर। और T less than T C भी होगा ना यहाँ पे, वो तो अंडरस्टूड है अपने आप में, वो तो अपने आप में अंडरस्टूड है, यानी कि क्योंकि हम सुपर कंडक्टिविटी का डिस्ट्रॉय किससे कर रहे हैं, उसको हम किससे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाकर, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। मतलब ये कौन सी वाले डायग्राम है, इट इज ये वाले डायग्राम है ना जिसमें टी लेस देन टी सी है, टी लेस देन टी सी, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन है, टी लेस देन टी सी होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, यस। जब मैसनर इफेक्ट आप स्टडी करेंगे तो टीसी को नहीं वेरी करेंगे, टीसी मतलब टेम्परेचर फिक्स कर देंगे टीसी के नीचे, ओके, तब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखेंगे सर। और टी लेस देन टीसी में ही अगर हम लोग एच ग्रेटर देन एचसी कर देंगे तो वो टाइप 2 मतलब टाइप 1 नहीं होगा ना। अगर क्या होगा, टी लेस देन टीसी तो रहेगा ही रहेगा, ओके ठीक है, उसमें अगर हम क्या करेंगे, एच हम बढ़ाते जा रहे हैं, ओके तो क्या होगा, अगर वो शार्प ट्रांजिशन कर दे किस पर, इट शोज अ शार्प ट्रांजिशन, कहां पर, यहां पर, जैसे बढ़ता जा रहा है मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, सडनली क्या हो जाए, वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए एक पर्टिकुलर एचसी वैल्यू पर, तो हम टाइप 1 कहेंगे। अगर उसमें चेंज ग्रेजुअल हो, एकदम सडन चेंज ना आकर एक ग्रेजुअली मैग्नेटाइजेशन उसका डीके हो, ओके, तो हम उसको टाइप 2 कहेंगे, टाइप 2 से, ठीक है। Thank you, sir. Okay.